ना उम्र का तकाजा ना इंद्रियों की शिथिलता। यदि दिल में जज्बा उत्साह और हौसला हो तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं। आज बात कर रहा हूँ एक दादी की, उम्र 82 साल, कमर पूरी झुकी हुई, नाम गोराबाई, पहाड़ संबेद शिखर, पार्सनाथ हिल झारखंड की सबसे ऊंची चोटी, 9 किलोमीटर की चढ़ाई, 9 किलोमीटर की वंदना और 9 किलोमीटर की उतराई, टोटल 27 किलोमीटर का वह पहाड़। 82 साल की उम्र में प्रतिदिन 27 किलोमीटर के पहाड़ को चढ़ना और उतरना और 61 बार ऐसा कर लेना एक विश्व रिकॉर्ड है, एक असंभव कार्य है। जब हम संबेद शिखर जी की वंदना कर रहे थे तब एक बूढ़ी माँ दिखाई दी, हाथ में लाठी लिए हुए हैं, शरीर जर्जर अवस्था में, इंद्रियां शिथिल हैं। हमारा चित्त हर्ष और आश्चर्य से भर गया। हम 30 वर्ष के हाँप रहे हैं, एक एक कदम हमारा बामुश्किल बढ़ रहा है और यह माँ उम्र और शरीर की परवाह न करते हुए वंदना कर रही है। हो सकता है आप 82 के हो जाएं तो पलंग पर से ही न उठ पाए, पर यह माँ 27 किलोमीटर का पहाड़ प्रतिदिन चढ़ रही है। अतः भक्ति और उत्साह का फल है चरणों में सिर टेक, यह शक्ति से भर जाती है, फिर अगली टोंक के लिए बढ़ जाती है। कितनी वंदना हो गई? टोटल कितनी हो गई? 61 वंदना। उम्र 82 साल है। थकती नहीं हो इतनी? बिल्कुल नहीं, जब तो कल कर ले याद कर रहे। क्या बात है, पहली करी थी ना। हाँ हाँ, चलो बढ़िया है। कहाँ से शक्ति मिल जाती इतनी? भगवान से। पर साल भी 5 कर गए थे। अरे वाह, क्या बात है। सागर महाराज जी। हाँ हाँ, या है, ठीक है। इस माँ की संकल्प और उत्साह शक्ति एक सीख सिखाती है। कभी उम्र और शरीर की कमजोरी को बहाना मत बनाओ, स्वयं को उत्साह और हौसले से भरो, सफलता तुम्हारे चरणों में होगी। नमन है ऐसे भावों को जो 82 वर्ष की उम्र में भी इतने ऊंचे पहाड़ पर पहुंचा देती है, पार्श्वनाथ के दर्शन करा देती है। ऐसे हौसले को नमन है। जय जयेंद्र।